वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर सवाल करेंगे। वो प्रश्न क्या है, देखिए, स्थाई बंदोबस्त ने किस प्रकार अनुपस्थित जमींदारी की समस्या को जन्म दिया। स्थाई बंदोबस्त ने किस प्रकार अनुपस्थित जमींदारी की समस्या को जन्म दिया। अगर आप इसे अंग्रेजी में कहें तो आप इसे कहेंगे, हाउ कम डिड द परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। हाउ कम डिड द परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। ठीक है, अनुपस्थित जमींदारी को अंग्रेजी में कहेंगे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म और स्थायी बंदोबस्त को कहेंगे परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थाई बंदोबस्त को मैंने बहुत ही डिटेल में 1.5-2 घंटे के वीडियो में समझाया है आपको। ठीक है, एक एक डिटेल मैंने थ्रेडबेयर इसका समझाया हुआ है। आप चाहे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम उसी टॉपिक से ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न को निकाल कर आपके सामने रखेंगे और इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव तो इससे बनेगा ही और इस तरह के सवाल आपसे सब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, जहां तक यूपीएससी और पीसीएस का सवाल है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं अनुपस्थित जमींदारी क्या होती है। तो अनुपस्थित जमींदारी की अगर हम बात करें तो देखिए, जमींदार कौन होता है, जिसके पास जमीन होती है। तो देखिए यहां पर क्या है कि जैसे कि कोई क्षेत्र हो गया, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र हो गया, कोई एरिया हो गया, ठीक है, और यहां पे कोई लैंड है। ठीक है, ये लैंड है, तो इस जमीन का जो मालिक है, जो जमींदार है, हाँ, जिसके पास इस जमीन का मालिकाना हक है, वो अगर इसी क्षेत्र में कहीं रहता है, मान लीजिए ए जमींदार है, वो इसी क्षेत्र में रह रहा है, इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये लैंड है, तो यहां वो जानता है इस जमीन के बारे में सब कुछ। ठीक है, जो भी डे टू डे जो घटनाएं होती हैं इस जमीन से संबंधित, खेती से संबंधित, हाँ, या आप देखें कि यहाँ पे कोई ऐसी आकस्मिक घटना हो जाती है, तो वो सब चीज़ इसको पता होता है। क्यों पता होता है, क्योंकि ये यहाँ पर रहता है, इसी क्षेत्र में रहता है। लेकिन अगर इस जमीन का मालिकाना हक, हाँ, किसी और को मिल जाए, ए की जगह बी को मिल जाए, हाँ, बी को मिल जाए, और बी रहता है किसी दूसरे क्षेत्र में, इस क्षेत्र से काफी दूर, मतलब ये हमेशा जब चाहे तब यहां नहीं पहुंच सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इतनी दूरी पर है, ठीक है, कि इसका पहुंचना संभव नहीं है और इसको जानकारी भी नहीं होती है डे टू डे इस जमीन से संबंधित जो घटनाएं हो रही है। ठीक है, जो समस्याएं हो रही हैं इसको नहीं पता है, यहाँ किसानों की क्या समस्या होगी, हाँ, यहाँ कब बारिश आई थी, यहाँ पर कौन से फसल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, बस इसने मालिकाना हक रखा हुआ है और क्या किया कि जब समय आया साल भर के बाद या ये महीने के बाद कि भाई जाओ इस जमीन से का किराया वसूल के आओ, जो यहाँ पर खेती कर रहा है, या जिस तरह से सेटल हुआ है कि आप या तो किराया वसूल के आओ या यहाँ से जो उसको राजस्व मिल रहा है, हाँ, जो भी पैसा इनकम आ रहा है इस जमीन से, उस जमीन का इसका जो हिस्सा है, कहेगा अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, किसी व्यक्ति को भेजेगा, बोलेगा जाओ लेके आओ। ठीक है, इस स्थिति में इस क्षेत्र में नहीं रह रहा है बी, ए रह रहा है इसी क्षेत्र में, तो ए को कहेंगे उपस्थित जमींदार, क्योंकि ए इसी क्षेत्र में है जिस क्षेत्र में ये लैंड है, बी इस क्षेत्र में है ही नहीं, बी का क्षेत्र दूर है, या तो मान लीजिए गांव है, बी शहर में रह रहा है, हाँ, ये जमीन का टुकड़ा दिल्ली के किसी गांव में है और बी रह रहा है बंगाल में कहीं। ठीक है, तो बी को कहा जाएगा अनुपस्थित जमींदार, क्योंकि ये इस क्षेत्र में उपस्थित नहीं है। ठीक है, हमेशा जब चाहे तब नहीं आ सकता, लेकिन अगर ए है यहां पर, इसी क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, या ए है इस जमीन का मालिक, तो वो जब चाहे तब इस लैंड पे पहुंच सकता है, तो ये उपस्थित जमींदार है। लेकिन इसी लैंड को अगर दे दिया जाता है बी को, जो कि कहीं दूर रह रहा है, तो उसका हमेशा यहां पर अवेलेबल होना संभव नहीं है।
ठीक है ना। तो इसी को कहा जाएगा बी क्या हो जाएगा, अनुपस्थित जमींदार या एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कि एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म या अनुपस्थित जमींदारी क्या होती है। ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी क्षेत्र से बहुत दूर रहकर, किसी जमीन से बहुत दूर रहकर, ठीक है, यानी उस क्षेत्र में उपस्थित ना होकर किसी दूसरे क्षेत्र में उपस्थित है, लेकिन उसको इस लैंड की जमींदारी प्राप्त है, तो उसको कहा जाएगा एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। और वो जो वहां पर एक्टिविटी कहेगा वो क्या होगा, वो कहा जाएगा एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म क्या होता है। तो यही एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की समस्या उत्पन्न हो गई थी अस्थाई बंदोबस्त की वजह से। क्यों उत्पन्न होती है समस्या, क्योंकि ये व्यक्ति, मैंने अभी भी बताया कि बी जो है इस क्षेत्र में नहीं रह रहा, इस क्षेत्र के बारे में इसको कुछ भी जानकारी नहीं है, इस क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, यहाँ कौन कौन सी फसल होती है, हाँ क्या यहाँ ज्यादा बारिश होती है, कम बारिश होती है, हाँ ठीक है ना, मिट्टी की फर्टिलिटी कितनी है, इसको कोई जानकारी नहीं है। आमतौर पर कृषि का ज्ञान ऐसे व्यक्ति, इस क्षेत्र की कृषि का ज्ञान इस व्यक्ति को नहीं होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में वो है नहीं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एब्सेंटी लैंड लॉर्ड। तो यही समस्या होगी अगर आपको किसी क्षेत्र का ज्ञान नहीं है और उस क्षेत्र का मालिकाना हक है आपको, तो आप अनाप शनाप काम करेंगे उस पर। आपको तो ज्ञान नहीं है, कृषि का ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको यहाँ के कृषि का ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ के किसानों से जाके आप बस कहेंगे कि भाई मुझे जो इनकम हो रही है दो, क्यों नहीं हुआ भाई, 10 सवाल पूछेंगे, ये अपनी समस्याएं गिनाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये समझ नहीं पाएगा, तो ये समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, कई बार एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के केस में। अब हमें देखना है कि अनुपस्थित जमींदारी की समस्या कैसे उत्पन्न हो गई अस्थाई बंदोबस्त से, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट से। तो पहले थोड़ा सा ब्रीफ में हम परमानेंट सेटलमेंट को समझते हैं। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट जो है ये, या अस्थाई बंदोबस्त इसको कह सकते हैं, ये ब्रिटिश सरकार की एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी। ये क्या थी भाई, तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी किसकी, ब्रिटिश सरकार की। और ये लाया गया था, ये पॉलिसी लाई गई थी किसके द्वारा, तो गवर्नर जनरल रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्न वालिस, जिसका टर्म रहा, मतलब कार्यकाल रहा भारत में, तो ये गवर्नर जनरल रहा ब्रिटिश भारत का, ये 1786 से लेकर 1793 तक। और ये 1793 में ही अस्थाई बंदोबस्त ये लेकर आया है, 1793 में अगर कहीं पूछा जाए कि कब लेकर आया है, तो अस्थाई बंदोबस्त को 1793 में लागू किया है इसने भारत में। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त क्या थी भाई, पूछा जाए तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी किसकी, ब्रिटिशर्स की। आप ऐसे जानते हैं कि जब यहां पर बंगाल में 1757 में पहले ब्रिटिशर्स ने पलासी की लड़ाई जीती, उसके बाद यहीं पे 1764 में बक्सर की लड़ाई जीती, और बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद यहां पे इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, देखिए तीनों जो थे उस समय बंगाल के ही क्षेत्र में थे, इसकी दीवानी अंग्रेजों को मिल गई, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। और दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी कि राजस्व वसूली का अधिकार। तो 1765 में बक्सर की लड़ाई जब होती है, 1764 में अंग्रेज बक्सर की लड़ाई जीतते हैं, और 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच एक संधि होती है जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि, और इस संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। दीवानी का मतलब आप समझ गए, राजस्व वसूलना है इनको यहाँ पे। ठीक है, और यही से ये राजस्व वसूलना शुरू करते हैं पूरे बंगाल का। लेकिन ये पहला अवसर नहीं था जब भारत में अंग्रेजों ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगान की वसूली की थी या भू राजस्व की वसूली की थी। इसके पहले आपको याद होगा कि 1757 में बंगाल में पलासी की लड़ाई उन्होंने जीती, और उसके बाद सिराजुद्दौला की जगह उन्होंने नवाब बनाया मीर जाफर को, फिर मीर जाफर को बदला और बनाया किसको, मीर कासिम को। तो जब मीर कासिम को इन्होंने नवाब बनाया बंगाल का, तो मीर कासिम ने इनको तीन क्षेत्र दिए, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, बंगाल के तीन क्षेत्र दिए थे। और इन्हीं तीनों क्षेत्रों में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेजों ने पहली बार राजस्व की वसूली करना शुरू किया था। तो पहले इन्होंने इन तीन क्षेत्रों में शुरू किया था, उसके बाद पूरे बंगाल में 1765 में इन्होंने शुरू किया, बक्सर की लड़ाई के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी एग्जाम में कि पहली बार अंग्रेजों ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन क्षेत्रों में राजस्व की वसूली शुरू की, या भू राजस्व की वसूली, या आप कह सकते हैं लगान की वसूली, तो आप कहेंगे वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, बंगाल के क्षेत्र थे, मीर कासिम से मिला था। तो ये पहली बार शुरू किया। उसके बाद जब यहाँ पे दीवानी मिल जाती है, रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, यहाँ पर 1765 में द्वैध शासन लेकर आता है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि द्वैध शासन में क्या था भाई, द्वैध शासन में एक कंपनी को दिया गया था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व वसूलने का अधिकार, और नवाब जो है बंगाल का इसको मिला था प्रशासन या निजामत। निजामत का मतलब होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन, निजामत का काम मिला था। तो यहीं से द्वैध शासन में राजस्व वसूली का काम शुरू हुआ था। और इस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, द्वैध शासन के दौरान 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन शुरू किया, बंगाल की दीवानी जब इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलती है इलाहाबाद की संधि के बाद, उसके बाद द्वैध शासन की शुरुआत होती है 1765 में। यहाँ पे लिख सकते हैं 1765 में, और कंपनी को राजस्व का अधिकार मिलता है, राजस्व वसूली का। इस समय कंपनी क्या करती है, इन्होंने बंगाल में दो भारतीय दीवान इन्होंने रखा हुआ है, बंगाल के लिए इन्होंने रखा है मोहम्मद रजा खान को, बिहार के लिए रखा है इन्होंने राजा सिताब राय को। तो इन लोगों को इन्होंने रखा है, यानी भारतीयों को इन्होंने रखा है किस लिए, राजस्व की वसूली के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो यहां पर द्वैध शासन के दौरान हुआ क्या था कि कंपनी को तो राजस्व वसूली का अधिकार था, लेकिन कंपनी अपने लिए राजस्व वसूली करवाती थी भारतीयों को फ्रंट पे रख के। इन्होंने दो डेपुटी दीवान इन्होंने रख दिए थे, मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए, बिहार के लिए राजा सिताब राय, उन्हीं से वसूल करवाते थे, यानी कंपनी के लिए दोनों काम करते थे भारतीय दीवान, उपदीवान। तो ये द्वैध शासन चलता रहा 1765 से आगे 1772 तक, ठीक है। और इसमें आप जानते हैं कि इसमें द्वैध शासन में भी बंगाल के राजस्व को बुरी तरह से लूटा गया था, ठीक है, और धन की निकासी यहीं से शुरू हो गई थी, ठीक है। बंगाल के राजस्व को बुरी तरह लूटा गया, ठीक है, और बंगाल को बिल्कुल खाली कर दिया गया था, ठीक है। उस समय फैमिन भी आया था, अकाल भी आया था 1770 में, और एक तिहाई जनता मौत का शिकार हो गई थी। तो बहुत दुर्दिन देखा था बंगाल ने, बंगाल बिहार और उड़ीसा तीनों ने, ये द्वैध शासन के दौरान। तो आप आगे क्या होगा, आप देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स इस द्वैध शासन को समाप्त कर देगा आकर। और जो भारतीय दीवान थे, राजा सिताब राय, मोहम्मद रजा खान, हाँ, जिनको कंपनी ने अपॉइंट किया था अपने लिए राजस्व की वसूली के लिए, भू राजस्व की वसूली के लिए, उन भारतीय दीवानों को खत्म कर देगा। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। और वो कहेगा कि अब भारतीय नहीं रहेंगे फ्रंट पे, अब हमारे ब्रिटिशर्स रहेंगे टैक्स कलेक्टर के रूप में, और वही टैक्स वसूलेंगे, ठीक है। और उसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, एक रेवेन्यू बोर्ड का गठन भी किया था, ठीक है। और इस तरह से उसने किया क्या कि ठेके पे राजस्व वसूली का काम देना शुरू किया। मतलब ठेका का मतलब क्या होता है, पहले भी ठेका ही दिया जाता था, द्वैध शासन में भी ठेका दिया गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस समय इसने थोड़ा इजारेदारी प्रथा का उन्नत रूप शुरू किया और यहां पर ठेके पे लैंड देना शुरू किया। जैसे कि ये लैंड है और बोली लगाई गई इसके लिए, इस लैंड के लिए किसी ने कहा कि 1,00,000 देंगे रेवेन्यू यहां से निकाल के सरकार को, किसी ने कहा 2,00,000 देंगे, किसी ने कहा 3,00,000 देंगे, हाँ। तो जो सबसे ज्यादा, जो अब मान लीजिए तीन लोग हैं और तीन लोग चाहते हैं कि इनको इस लैंड की, बंगाल में इस लैंड की दीवानी मिल जाए, तो ये तीनों अपनी अपनी बोली बताते थे, कोई कहेगा 1,00,000 देंगे, कोई कहेगा 2,00,000 देंगे, कोई कहेगा 3,00,000 देंगे। तो सबसे ज्यादा जो बोली लगाएगा उसको यहां से राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया जाएगा,
यानी कि अब जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने कहा है कि 3 लाख देगा, अब इस लैंड से उसको 3 लाख रुपए वसूल करके सरकार को देने होंगे। तो यह शुरू किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठेके पर दिया जाता था उसके समय लैंड को, यह ठेका दे दिया जाए। ठेका किसको दे दिया गया? इस लैंड के लिए ठेका इस व्यक्ति को दे दिया गया जिसने 3 लाख कहा। बोली तो इसने भी लगाई, इसने भी लगाई, लेकिन सबसे ज्यादा किसी ने कहा कि भाई हम 3 लाख देंगे। कोई 5 लाख कहता तो उसको दे दिया जाता, यानी हाईएस्ट बिडर को दिया जाता था ठेका। हाँ, राजस्व की वसूली का वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, पहले 5 साल के लिए उसने शुरू किया, उससे फायदा नहीं दिखा तो फिर 1 साल के लिए शुरू किया उसने, 1-1 साल पे ठेका दिया जाता था। लेकिन ये सारे जो हथकंडे थे राजस्व की वसूली के, वो सब फेल हो गए और इससे बहुत, इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा रहे। हाँ, इस वजह से आगे जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है 1786 में, तो वो सोचता है कि कोई नई व्यवस्था लाई जाए जिससे कृषकों को भी फायदा हो और बंगाल को एक निश्चित आय मिल जाए, कुछ भी हो निश्चित आय मिल जाए। तो इसीलिए ये अस्थाई बंदोबस्त लेकर आता है, परमानेंट सेटलमेंट, और इसका उद्देश्य ही था कि परमानेंट सेटलमेंट में एक नियत आय मिले, ठीक है, नियत आय, निश्चित आय मिल जाए किसको, गवर्नमेंट को। और इस परमानेंट सेटलमेंट में देखिए ये सेटलमेंट कैसा था। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बिचौलिए के रूप में जमींदार थे और सबसे नीचे कृषक थे। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किया था जमींदारों को, इन्हें कृषकों की जमीन का मालिकाना हक दे दिया था। किसको? जमींदारों को। जमींदारों के पास मालिकाना हक था जमीन का, और इनका काम क्या था जमींदार का, कि ये कृषकों से, ठीक है, जमींदार क्या करेगा, ये जमींदार इन कृषकों से भू राजस्व वसूलेगा, लगान वसूलेगा, और वसूल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। यही था, यही कड़ी थी। बिचौलिया है जमींदार जिसको दिया गया है जमीन का मालिकाना हक, ठीक है, यानी ये जो कृषक हैं इनकी जमीनें हैं इनकी, लेकिन जमींदार को बना दिया गया इन कृषकों के जमीन का मालिक, और कहा गया कि इन कृषकों से आपको क्या करना है, टैक्स वसूली करना है, ये टैक्स वसूली करेगा और टैक्स वसूली करके, रेवेन्यू वसूल करके ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा, ठीक है। कितना देगा? तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी वसूलेगा उसका 10/11 या 89% देगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और खुद रखेगा 1/11 यानी 11%। ये तय हुआ था, ठीक है, तय हुआ था। इसमें जमींदार के लिए, जमींदार को यह अधिकार था कि अगर कोई कृषक, कोई पीजेंट राजस्व नहीं दे पाता है, नहीं चुका पाता है, तो ये जमींदार इसकी जमीन को बेच सकता है या इसके जमीन को किसी और किसान को दे सकता है, गिरवी रख सकता है, ये सब कर सकता है जमींदार, ठीक है। और जमींदारों के लिए भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह नियम बनाया था इस अस्थाई बंदोबस्त में, कि यदि जमींदार भी समय से इनसे राजस्व वसूली करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो तय अमाउंट है वो नहीं देते, तो इनकी भी जमींदारी नीलाम की जा सकती थी, किसी और को दी जा सकती थी, ठीक है, मालिकाना हक जमीन का किसी और को दे दिया जाएगा, ऐसा कहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, लेकिन इस व्यवस्था में एक कमी थी, और वो कमी क्या थी, देखिए, ये कोई लैंड का टुकड़ा है, और इस लैंड के टुकड़े के लिए, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक जमींदार है, हाँ, जिसको कि मालिकाना हक दिया गया है इस लैंड के टुकड़े पर। तो ये जो राजस्व तय किया गया है वो क्या तय किया गया था, कि जो भी राजस्व होगा इस लैंड के टुकड़े से वसूला जाएगा, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा होगा 10/11 या 89%, और जमींदार का होगा 1/11 यानी 11%। तो सपोज कीजिए कि यहाँ 100 रुपये का राजस्व है, और यही तय हो गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार ने देखा, जिसको इस लैंड का मालिकाना हक दिया गया इस जमींदार को,
कि भाई देखिए दोनों ने मिलकर तय किया कि यहाँ से कितना रेवेन्यू आ सकता है, तो दोनों ने तय किया कि हाँ यहाँ से 100 रुपये का रेवेन्यू आएगा, राजस्व आएगा, ये तय हो गया। तो जब तय हो गया तो इसके अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना जाएगा, 89 रुपया, जबकि लैंड लॉर्ड को यानी जमींदार को कितना जाएगा, 11 रुपया। ठीक है, अब ये एक बार तय हो चुका है। अब समझिएगा इस नियम को अच्छे से, जब ये एक बार तय हो गया है तो अब इस अमाउंट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। हाँ, फिक्स्ड 89 रुपया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा मिलेगा, हाँ, ना घटेगा ये ना बढ़ेगा। अगर किसी वजह से, देखिए दोनों में पहली बार में ये तय हो गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार के बीच में कि जमींदार यहाँ की यहाँ से 100 रुपया ही निकलना है, हाँ, जमीन को देखा गया, तय हुआ कि यहाँ से 100 रुपया निकलेगा, तय हो गया कि यहाँ मिल जाएगा। अब आगे बारिश अच्छी हो जाए किसी वर्ष और उपज बढ़ जाए, हाँ, या किसी और कारण से उपज बढ़ जाए, जमींदार कुछ निवेश ही कर दे यहाँ पर अपनी तरफ से, उपज बढ़ जाए, तो सपोज कीजिए कि अब उपज जो है होता है ज्यादा और रेवेन्यू बढ़ के हो जाता है इसका 100 रुपये की जगह 120 रुपया इसी क्षेत्र का, इस क्षेत्र का जो रेवेन्यू बढ़ गया, इस स्थिति में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 89 रुपीज ही मिलना है। यह फिक्स है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, जो बढ़ा उसको किसने ले लिया, हाँ, उसको ले रहा है लैंडलॉर्ड। तो यहां पर 89 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला और लैंडलॉर्ड को कितना मिला, 11 इधर और 20, 31 आ गया जमींदार के पास, लैंडलॉर्ड के पास। समझ रहे हैं बात को, किसी वजह से फसल घट गई और फसल हो गई यहां पे 100 की जगह 90 रुपया, उपज मतलब रेवेन्यू यहां पर 90 रुपया के बराबर है, यहां से आय जो है 90 रुपया हो गया, फसल कम हो गई। इस स्थिति में भी कंपनी कितनी लगी, 89 रुपीज, और अब जमींदार को कितना मिलेगा, 1 रुपया, 89। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हर स्थिति में यही मिलना है, 89 ही मिलना है, चाहे उपज बढ़ जाए चाहे उपज घट जाए, यही इस बंदोबस्त का लब्बो लुआब है कि कुछ भी हो जाए, अगर फसल बढ़ भी जाता है तो इनकम बढ़ जाएगी, उपज बढ़ जाती है, लेकिन वो बढ़ी हुई इनकम से कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, कंपनी को फायदा ही हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए उसको एक नियत इनकम हमेशा मिल रहा है, नियत आय इस लैंड से हमेशा हो रही है। उसके बाद जमींदार फसल अच्छी हो जाए, जमींदार कुछ एक्स्ट्रा वसूल कर ले किसानों से, तो कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है, जमींदार को हर तरह का अधिकार है, ये एक्स्ट्रा भी वसूल सकता है, तो अब एक्स्ट्रा वसूलेगा जमींदार तो वो तो कंपनी को जाएगा नहीं, कंपनी को जाएगा 89 रुपये ही, बाकी जमींदार रख लेंगे, यानी यहां किसानों का शोषण भी होगा, तो जमींदार शोषण करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये तय हो गया, आपने समझ लिया कि स्थायी बंदोबस्त क्या था और फिर इसमें कमी क्या थी। कमी ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना ही मिलना था, चाहे उपज कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, अगर ज्यादा हो जाए उस स्थिति में क्या होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा था, फायदा कौन उठा ले जाता था, जमींदार ज्यादा भी वसूल करते थे जरूरत पड़ने पर, और ज्यादा वसूल करके क्या करेंगे, अब देखिए अगर ज्यादा फसल हो गया तो तय तो 100 रुपया ही हुआ था, तो 100 रुपया ही हुआ था, तो ज्यादा भी हो गया तो लैंडलॉर्ड को 11 रखना चाहिए और बाकी क्या करना चाहिए था, अगर मान लीजिए ज्यादा 120 हो गया तो 89 ये रख लेता कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता, 11 रख लेता उसी तरह से कौन, किसान जमींदार, और जो 20 रुपया का एक्स्ट्रा हुआ इनकम उसको वो किसानों में बांट देता तो कृषक भी खुश रहते, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा था। कार्नवालिस ने यही सोचा था जब उसने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, तो यही सोचा था कि
ये जो एक्स्ट्रा इनकम किसी वजह से हो रहा है उसको जमींदार किसानों में बांट देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जमींदार खुद हड़प रहे थे। तो ये इस सिस्टम की कमी थी, ठीक है ना। और एक चीज और, इस अस्थाई बंदोबस्त को ही कहते हैं इस्तमरारी, इस्तमरारी या जमींदारी, जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, इसी को कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आप समझ गए। दूसरा कि ये देखिए लागू कहां कहां हुआ, तो लागू कहां कहां हुआ ये मैंने मैप में ही दिखा दिया है। ये कहां कहां लागू हुआ था, तो ये बंगाल, पूरे बंगाल में लागू हुआ, और उस समय बंगाल में ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों थे, तो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अवध का क्षेत्र है, आज जो उत्तर प्रदेश है वो अवध, तो अवध के क्षेत्र में ये गाजीपुर और बनारस में लागू हुआ और उत्तरी कर्नाटका में लागू हुआ। तो ये यहां पर मैंने लिख दिया है कि इन इन क्षेत्रों में लागू हुआ, और ये पूरा जो क्षेत्र है जहां जहां लागू हुआ, ये पूरे ब्रिटिश इंडिया का 19%। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू किया गया था, तो 19%, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें देखिए एक सनसेट लॉ भी था, तो सनसेट लॉ यानी सूर्यास्त का नियम, इसको 1794 में जोड़ा गया था, और इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार था कि एक निश्चित तिथि थी, ये जमींदारों के लिए था कि एक निश्चित तिथि है कंपनी को लगान देने का, कंपनी को रेवेन्यू देने का जमींदारों की तरफ से, इनसे वसूलेंगे जमींदार, और एक फिर निश्चित तिथि तक इनको दे देंगे। उस निश्चित तिथि तक मान लिए तय है कि जमींदार को 5 दिसंबर तक दे देना है, इनसे वसूल के यहां पर कंपनी को दे देना है। तो 5 दिसंबर को जब सूर्यास्त होगा, तो सूर्यास्त के ठीक पहले वो जो अमाउंट है 89% जमींदारों की तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच जाना चाहिए, वरना इनकी जमींदारी छिन जाएगी, नीलाम हो जाएगी जमींदारों की, ठीक है ना, इनकी जमींदारी छिन जाएगी, यानी जमीन पर से मालिकाना हक चला जाएगा। ये सनसेट का लॉ कहता था। तो पूछा जा सकता है कि सनसेट का लॉ क्या था या सूर्यास्त का नियम क्या था इसमें स्थाई बंदोबस्त में। अब यहीं से निकलेगा आपको, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, अब यहीं से निकलेगा कि अस्थाई बंदोबस्त, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, अस्थाई बंदोबस्त ने अनुपस्थित जमींदारी की समस्या को जन्म कैसे दिया, को कैसे जन्म दिया। तो अब देखिए, मैंने एक चीज बताया कि जमींदार को क्या था, जमींदारों के लिए कंपनी ने क्या नियम बनाया था कि अगर ये तय समय पर, और तय समय क्या था, ये कंपनी को लगान नहीं देते पूरी तरह से, हाँ, या ये सनसेट लॉ के अनुसार निश्चित तिथि जो बनाई गई है कंपनी को रेवेन्यू देने का जमींदारों की तरफ से, हाँ, कि एक निश्चित तय तिथि को जमींदार जो हैं 89% रेवेन्यू का जो वसूला गया है उसका 89% कंपनी को दे देगी, लेकिन अगर जमींदार तय तिथि तक सूर्यास्त होने के ठीक पहले, सनसेट के ठीक पहले वो राशि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देते, यानी लगान नहीं देते इन किसानों से वसूल कर, ये जो 89% है, तो इन जमींदारों की जमीन भी कंपनी नीलाम कर सकती थी, इनकी जमींदारी किसी और को दे दी जाती, ठीक है। यहीं से आपको निकलेगा अनुपस्थित जमींदारी की समस्या। अब देखिए क्या हुआ, इसमें होगा क्या कि कोई लैंड है गांव में, ठीक है, कोई लैंड है गांव में, ये लैंड है इस क्षेत्र में, और ये इस क्षेत्र का जमींदार है, इसको मालिकाना हक मिला हुआ है, इस क्षेत्र में रहने वाले कृषक इस लैंड पे खेती कर रहे हैं, ठीक है, या कोई कृषक जो है, कोई किसान जो है खेती कर रहा है, और इस क्षेत्र में आ गया कोरोना, कोरोना से लोग परेशान थे, हैं, और ये व्यक्ति जो है इसी क्षेत्र का रहने वाला है, ये जो जमींदार है, और इसको यहाँ के लोगों से इमोशनल अटैचमेंट भी है, क्योंकि होता भी यही है जनरली कि जो जिस क्षेत्र में रह रहा है वहाँ के लोगों से एक लगाव होता है, जैसे आप बिहार के हैं, भारत के हैं, तो भारत से आपको लगाव है, वैसे ही आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत बायसनेस आप देखेंगे से बिहार के जो लोग हैं,
हाँ बंगाल, तो अपने अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति थोड़ा बहुत उनका लगाव होता है, जिसको इमोशनल अटैचमेंट कहते हैं, एक झुकाव होता है, इंक्लिनेशन होता है। तो इस व्यक्ति, ये जो जमींदार है, इसको इस क्षेत्र से रेवेन्यू वसूल करके और उसका 89% देना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन यहां पर हो गया कोरोना और ये जब यहां जाता है तो कहता है कि भाई आप हमको लगान दे दो। तो यहाँ के लोग कहते हैं, किसान जो हैं, कि भाई हमारे पास तो इस बार कोरोना आ गया, हमने खेती नहीं की, हाँ कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से लगान देंगे। अब ये आ जाएगा इमोशन में, ये जो जमींदार है जिसको यहाँ से वसूली इमोशन में आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से वसूल नहीं पाएगा, प्रताड़ित नहीं कर पाएगा यहाँ के लोगों को। उस स्थिति में क्या होगा, मैंने क्या बताया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार था कि यदि ये जमींदार तय तिथि तक, और तय तिथि के में कब तक, सूर्यास्त होने के ठीक पहले तक अगर लगान नहीं देते, जो फिक्स हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 89%, तो इनकी जमींदारी जो है नीलाम कर दी जाएगी। तो जब ए जो है यहां से ले नहीं पाएगा, इस क्षेत्र से, इस लैंड से राजस्व, लगान, भू राजस्व, जो भी आप कहें, तब इस जमीन की नीलामी शुरू होगी। और मान लीजिए यहां से 400,000 रुपया इसको वसूलना था, 400,000 रुपया वसूलना है ए को। अब इतना बड़ा अमाउंट यहां से ये तो वसूल नहीं पाया, अब इसके लैंड को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति को देगी। अब ये बहुत महंगा लैंड हो गया है, हाँ जो भी इस लैंड का रेवेन्यू चुका देगा 400,000 रुपया, ए को लेना था 400,000, ये चुका नहीं पाया। अब ये रेवेन्यू जो चुका देगा उसका हो जाएगा ये लैंड, उसको जमींदारी मिल जाएगी, नीलाम कर दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा। यही तो था इसमें, कि अगर कोई जमींदार किसी अपने क्षेत्र से टैक्स की वसूली नहीं कर पाता, तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर उस क्षेत्र का टैक्स भर देता है तो यह जमींदारी जो इसके पास थी वो दूसरे व्यक्ति को चली जाएगी। ठीक है, तो अब इस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए कोई बी है, ये बी है, ये कहता है कि भाई अच्छा ए नहीं चुका पाया यहां पर, ए यहां से वसूली नहीं कर पाया, और कितना इसको वसूली करना था, तो 400,000 रुपये करना था। तो बी कहेगा कि मैं क्या करता हूं कि मैं इसका पैसा दे देता हूं, ये जो लगान है। अब देखिए उस समय तो बहुतों में हो, 400,000 उस समय के लिए बहुत हो गया, हाँ ये जो लैंड होता होगा, लैंड की वसूली बहुत ज्यादा होती होगी, बहुत जबरदस्त बड़ा अमाउंट होता होगा वो, और वो साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जब जमींदार यहां पर वो तो चुका ही नहीं पा रहा है, तो ये जो बड़ा अमाउंट है ये बी कहता है मैं चुका दूंगा, तो बी चुका देगा और ये लैंड अब ए के पास से बी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बी के पास लैंड चला गया। लेकिन आप सोचिए, इतना बड़ा अमाउंट जो चुका रहा है वो कोई धनाढ्य व्यक्ति होगा, कोई पैसे वाला होगा, तभी ये लैंड ले सकता है, इतना रेवेन्यू इसका दे सकता है। ठीक है ना, ये जो 400,000 का अमाउंट है वो दे के इस जमीन का मालिकाना हक लेगा, कोई पैसे वाला होगा तभी तो ले सकता है। इस गांव में जब लोग नहीं चुका रहे हैं तो इस गांव के लोग कहां से होंगे, इस गांव के लोग तो होंगे नहीं, ये जो आदमी है इस गांव का है, जिसके पास पहले जमींदारी थी ए, लेकिन ये सक्षम ही नहीं है। तो यहां का जब जमींदार सक्षम नहीं है तो यहां का और कौन सक्षम होगा भाई यहां का लैंड खरीदने के लिए, तो जरूर ये बी जो है कोई बाहरी व्यक्ति होगा, और ये बाहरी व्यक्ति हो सकता है कोई साहूकार हो सकता है, हाँ महाजन हो सकता है, ठीक है व्यापारी हो सकता है, ये लोग हो सकते हैं जो कि इस लैंड को का रेवेन्यू भर दिए 400,000 और ये लैंड चला गया इनके पास। तो बी ने ले लिया, बी साहूकार हो सकता है, महाजन हो सकता है, व्यापारी हो सकता है। अब ये साहूकार महाजन और व्यापारी गांव में तो है नहीं, ये हैं कहां, दूर, गांव से बैठे हुए हैं दूर, और इनको मिल गया इस लैंड की जमींदारी, इनको मिल गई। क्यों मिल गई, क्योंकि 400,000 रुपये यहां से ए को वसूल करना था, ए वसूल कर नहीं पाया, तो इसकी जगह 400,000 रुपये किसने भरा, बी ने, और बी को ने जब 400,000 रुपये भर दिया
जो लगान था यहाँ का, तो बी को ट्रांसफर कर दिया, ये तर कर दिया गया ये लैंड, और बी बहुत पैसे वाला है, साहूकार हो सकता है, महाजन हो सकता है, व्यापारी हो सकता है। तो जब बी के पास चला गया तो ये तो कृषक है नहीं, एक तो ये धनाढ्य व्यक्ति है, तो ये गांव में नहीं है, ये गांव से कहीं दूर बसता है, शहर में बसता है, इसके पास बहुत पैसा है, तमाम तरह के व्यापार करता है, तो ये पैसा दे के चुका दे रहा है, लेकिन ये बैठा हुआ है दूर, दूर बैठा हुआ है, इस क्षेत्र में नहीं है। तो इस क्षेत्र की जमींदारी अब किसी ऐसे व्यक्ति के पास चली गई जो धनाढ्य भी है और इस क्षेत्र से दूर भी है। तो इस तरह से जब ये दूर है तो ये क्या हो गया, यही पे तो इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कहेंगे, ये इस क्षेत्र में नहीं रह रहा है, ये इस क्षेत्र से दूर रह रहा है, और वहीं पे वो साहूकारी का काम कर रहा है, महाजनी का काम कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है और पैसे इकट्ठा करके, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, उसने इस क्षेत्र का की जमींदारी ले ली। ठीक है, तो ये तो इसको तो खेती का ज्ञान है नहीं, पहली बात कि इसको कृषि का ज्ञान है नहीं, क्योंकि इसका प्रोफेशन ही दूसरा है, जबकि ए यहां था और ए को, ए इसी क्षेत्र का व्यक्ति था, वो परंपरागत कृषि को जानता है, क्योंकि इसी क्षेत्र का, इस क्षेत्र के लोगों से परिचित है, उसको पता है कि इस लैंड पे कौन कौन सी फसल होती है, इस लैंड की मिट्टी कितनी फर्टाइल है, यहां पे क्या किस चीज को लगाया जाए, कौन सी फसल लगाई जाए कि उसकी पैदावार अच्छी हो, यहां के लिए कौन सा लाभदायक होगा, कौन सी फसल लाभदायक होगी, तो ये सब इसको मालूम है, इसको कृषि का पूरा नॉलेज है इस क्षेत्र का, क्योंकि इसी क्षेत्र का है। लेकिन ये व्यक्ति जो दूर बैठा हुआ है, ये क्या होगा, ये तो कुछ जानता ही नहीं खेती के बारे में, क्योंकि ये व्यापारी है, महाजन है, साहूकार है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इसको तो जमींदारी मिल गई है, यानी कि मालिकाना हक मिल गया इस लैंड का, ये बैठा हुआ है यहां से दूर, ये आएगा नहीं यहां पर, ये अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा अगले साल कि जाओ भाई यहां से रेवेन्यू ले आओ। अब ये रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, इसको तो कुछ पता नहीं कि कैसे खेती होती है, क्या होगा, कितना मिलेगा, कैसे बढ़ाया जाएगा, ये तो बस जो तय अमाउंट है कहेगा कि जाके 4 लाख रुपया फिर ले आओ यहां से, जो इसने चुकाया था, अगले साल फिर इसको 4 लाख देना है, तो कहेगा ले आओ भाई 4 लाख रुपया, लेकिन यहां पैदावार नहीं हुआ है। अब इसके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, गुंडा जाएंगे, मवाली जाएंगे, कहेंगे भाई कि तुम दो यहां से, जबरदस्ती करेंगे किसानों के साथ, तो किसानों के साथ यहां अत्यधिक शोषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक समस्या हो जाएगी किसानों के लिए, ये जो अनुपस्थित जमींदारी की समस्या यहां उत्पन्न होगी वो किसानों के लिए बड़ी समस्या पैदा करेगी। ठीक है, इनका शोषण होने लगेगा। तो यही से आपने देखा कि अस्थाई बंदोबस्त ने किस तरह से एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म को जन्म दिया। और इससे एक चीज और होगी, ये जो अनुपस्थित जमींदारी, आप समझ गए होंगे, ये जो अनुपस्थित जमींदारी है, इससे एक समस्या और होगी कि देखिए यहां पर एक की जगह एक की जमींदारी मिल गई बी, ये कौन है, इसी क्षेत्र में रहता है, तो ये तो परंपरागत कृषक है, किसान है, जमींदार है, तो अब यहां पर परंपरागत किसानों की जगह किसने ले ली, इनकी जगह आ गए नए जमींदार, नए जमीन। देखिए क्या दुष्परिणाम है इस अनुपस्थित जमींदारी की, यह परंपरागत व्यक्ति था जिसके पास जमीन का मालिकाना हक था, यह चुका नहीं पाया तो इसका ट्रांसफर कर दिया कि गया किसके पास, बी के पास, तो बी तो साहूकार है या महाजन है, व्यापारी है, कोई धनाढ्य व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, अमीर आदमी है, तो इस खेती नहीं जानता है। तो जो परंपरागत जमींदार था यहां पर, उसकी जगह बी ने ले ली एक नए जमींदार के रूप में, और ये नया जमींदार ये जो है ये कृषि के बारे में इसको कोई जानकारी ही नहीं है, और कृषि के बारे में अगर इसको जानकारी नहीं है, यानी बी को कृषि के बारे में जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर खेती का बंटाधार होगा, ये खेती करा नहीं पाएगा, बस रेवेन्यू वसूलने का जब समय आएगा अपने गुंडों को भेजेगा और किसानों के साथ जबरदस्ती करेगा, जिससे किसानों का अत्यधिक शोषण होगा, और यही हुआ भी आपको अस्थाई बंदोबस्त के
केस में। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि अस्थाई बंदोबस्त ने किस प्रकार से अनुपस्थित जमींदारी को जन्म दिया, ए की जगह बी आ गया अनुपस्थित जमींदार के रूप में, और फिर यानी कि ए जो है एक परंपरागत किसान है या परंपरागत जमींदार आप इसको कह सकते हैं, परंपरागत जमींदार जो है, परंपरागत जमींदार की जगह नए जमींदार आ जाते हैं, नए जमींदार आ जाते हैं। तो यहां पर बी आप, मैंने दिखाया कि बी कैसे आ गया यहां पर नए जमींदार के रूप में, और इनको कृषि आती ही नहीं है क्योंकि ये वहां से ये इस क्षेत्र में नहीं रहता, ये तो दूर रहता है और ये कृषक भी नहीं है। हाँ, ये तो साहूकार है, ये महाजन है, ये धनी व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, व्यापार करता है, कुछ और करता है, लेकिन खेती नहीं करता। तो इस व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमी रही कि स्थाई बंदोबस्त ने अनुपस्थित जमींदारी की समस्या को जन्म दिया, और इस अनुपस्थित जमींदारी ने क्या किया, किसानों का शोषण किया। इस अनुपस्थित जमींदारी से कृषकों का क्या हुआ, शोषण हुआ। तो ये इसका लबोलुआब है इस प्रश्न का। तो आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा, जब आप इस प्रश्न को लिखने के लिए आएगा तब आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि भाई अस्थाई बंदोबस्त में एक प्रोविजन था कि अगर जमींदार जो है जिसको मालिकाना हक दिया गया है किसी की जमीन का, किसी भी जमीन का, तो उसमें था कि अगर तय तिथि तक, तय समय सीमा तक अगर ये जमींदार जो है ये जो तय अमाउंट है राजस्व का वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा पाता तो उसकी जमींदारी जो होती थी नीलाम हो जाती थी, यानी कि जमीन जो है वो किसी और को दे दिया जाता था। तो इस स्थिति में कई बार ऐसी बातें हुई कि कोई जमीन है और वहाँ से वहाँ पे जो कृषक हैं उस जमीन पे खेती करने वाले जो हैं वो रेवेन्यू नहीं चुका पाए, और वहाँ का जमींदार जो है उसी क्षेत्र का जमींदार है, हाँ वो उन लोगों को लेकर, इस क्षेत्र के लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है और वो ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं कर सकता, उनके साथ अत्याचार नहीं कर सकता, इसलिए ये व्यक्ति जो है ये यहाँ से लगान की वसूली कर पाने में असमर्थ होता है। और इस स्थिति में यहाँ का जो इस लगान का जो एक बड़ा अमाउंट है वो कोई ऐसा व्यक्ति चुका देता है जो कि शहर से दूर रह रहा है लेकिन उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और वो सक्षम है इस ज़मीन को खरीदने में, तो वो ज़मीन अब चला जाता है, वो चली जाती है उस व्यक्ति के पास, और वो व्यक्ति चूँकि इस क्षेत्र से दूर रह रहा है, हाँ जहाँ पे ज़मीन है, तो वो हो गया क्या, एब्सेंट लैंडलॉर्ड हो गया, अनुपस्थित जमींदार हो गया, लेकिन वो समय पे इस लगान को की वसूली के लिए अपने लोगों को भेजता है, अपने गुंडों को भेजता है और किसानों का शोषण करता है, क्योंकि इसको ये आइडिया नहीं है कि इस क्षेत्र में किस तरह से कृषि को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से उपज को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से किसानों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि इसका प्रोफेशन ही दूसरा है, ठीक है ना, कृषि का कोई, एग्रीकल्चर का कोई इसको आइडिया नहीं है, और इस वजह से, इस अज्ञानता की वजह से ये शोषण करता है किसानों का। तो अत्यधिक शोषण होता है और यही यानी कृषकों का शोषण, अत्यधिक शोषण आप लिख सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, शब्दों में ढाल सकते हैं, और यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा, अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया भाई, तो लॉर्ड कार्नवालिस ने कब शुरू किया, 1793 में, हाँ इसको और क्या कहते हैं, तो इस्तमरारी व्यवस्था है, जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, इसमें राजस्व क्या तय की गई थी, तो इसमें कंपनी को 10/11 यानी कि 89% देना था, जमींदार को 1/11% देना था, कहाँ कहाँ लागू किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों बंगाल के क्षेत्र थे उस समय। उसके बाद अवध के क्षेत्र में गाजीपुर और बनारस और उत्तरी कर्नाटक, मैप में मैंने दिखा दिया है इस पूरे बंगाल में जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, अवध के क्षेत्र में गाजीपुर और बनारस और यहाँ पे उत्तरी कर्नाटक, यहीं पे लागू किया गया था। और ये जो क्षेत्र हैं ये 19% है ब्रिटिश भारत का, ठीक है, यानी कि पूछा जाएगा सवाल कि ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू की गई थी, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, तो आप कहेंगे 19%। सनसेट लॉ क्या है, तो सनसेट लॉ एक तय सीमा थी जमींदारों के लिए,
जिसमें यह कहा जाता था, एक तय तिथि होती थी कि इस तिथि को सूर्यास्त के ठीक पहले आपको जो तय सीमा है रेवेन्यू का, जो तय अमाउंट है रेवेन्यू का, वो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देना है, यानी कि 89% या 10/11 आपको दे देना है जो तय हुआ है। अदरवाइज आपके ज़मीन की नीलामी की जा सकती है, आपके ज़मींदारी की नीलामी की जा सकती है। तो ये सनसेट लॉ था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सनसेट लॉ क्या था। तो इस तरह से आपने देख लिया, बस आपको इसमें बिचौलिया कौन होता है पूछा जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त में ज़मीन का मालिकाना हक किसको दिया गया, तो ज़मींदारों को, ठीक है। अनुपस्थित ज़मींदारी क्या है मैंने शुरू में ही बताया था, अस्थाई बंदोबस्त को भी मैंने बता दिया, और कैसे इस समस्या का जन्म हुआ, अस्थाई बंदोबस्त ने किस प्रकार अनुपस्थित ज़मींदारी की समस्या को जन्म दिया, हाँ ये मैंने पूरा वीडियो में डिटेल में बताया है, एक एक चीज़ समझा के बताया है। अब आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, और लास्ट में ये ज़रूर लिखेंगे कंक्लूजन में कि इस अनुपस्थित ज़मींदारी ने कृषकों का अत्यधिक शोषण किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो परंपरागत ज़मींदार थे, मैंने बताया ये जैसे परंपरागत ज़मींदार था, इसकी जगह अब एक ऐसा ज़मींदार आ गया जो कहीं दूर शहर में बसता है और उसको कृषि का ज्ञान नहीं है, ये नया ज़मींदार है, इसको कृषि का ज्ञान नहीं है, लेकिन इसको एक काम तो करना है कि इसको यहाँ से राजस्व की वसूली करनी है। अज्ञानता की वजह से ये कृषि क्षेत्र को बढ़ावा नहीं देगा, कृषकों को प्रमोट नहीं करेगा, यहाँ पे उपज कैसे बढ़ाई जाए इस पे बात नहीं करेगा, लेकिन जब राजस्व वसूली का वक्त आएगा ये अपने गुंडों को भेजकर यहाँ से राजस्व की वसूली करवाएगा और किसानों का अत्यधिक शोषण करेगा। तो अनुपस्थित ज़मींदारी अल्टीमेटली अनुपस्थित ज़मींदारी ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। तो अस्थाई बंदोबस्त ने किस प्रकार अनुपस्थित ज़मींदारी की समस्या को जन्म दिया, ये मैंने पूरा बता दिया है। हाउ कम डीड द परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म। हाँ, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस थिंग्स इन दिस वीडियो, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।